नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश सवर्णों को सरकार का तोहफा में। छत्तीसगढ़ में गरीब सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण अब तय हो गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई। इससे पहले सरकार ने 15 अगस्त को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाए जाने के ऐलान किए थे। अब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण तय किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण 72% से बढ़कर 82% हो गया है। छत्तीसगढ़ में गरीब सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण तय हो गया है। कैबिनेट ने आरक्षण पर मोहर लगा दी है। इससे पहले सरकार ने 15 अगस्त को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाए जाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट देखिए। कैबिनेट की बैठक में सवर्णों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ में लोकपतों सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में सीटों का 10% आरक्षण करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में जनसंख्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले को अंतिम मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 1994 में संशोधन करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2019 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% का अनुमोदन किया गया। शेड्यूल ट्राइब 32%, शेड्यूल कास्ट 12 से बढ़ाकर 13% और ओबीसी का 14 से बढ़ाकर 27% किया गया। अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। इसके साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% की आरक्षण करने का लोक सेवा में आज के मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया गया। सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाए जाने के बाद सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण का विरोध और 10% आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए थे। इसे लेकर रायपुर, बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। सामान्य वर्ग के लोगों ने बाकायदा मुख्यमंत्री निवास पर जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर 10% आरक्षण की मांग की थी। सीएम भूपेश बघेल ने उस समय सामान्य वर्ग के लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि सामान्य वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं केदार गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता, प्रणाल शुक्ला सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और बाबूलाल शर्मा हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सीधा सवाल है पहले भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता से। केदार जी, क्या आपको लगता है सरकार की इस पहल के बाद अब 72 से 10% और बढ़ाकर 82% आरक्षण छत्तीसगढ़ में कर दिया गया है? कोटा जो है आरक्षण का अब 82% हो गया है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा, विकास की ओर छत्तीसगढ़ अब दौड़ेगा? केदार जी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ नहीं है जी, परंतु आरक्षण का प्रतिशत युक्ति संगत होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सवर्णों के लिए 10% का आरक्षण माननीय मोदी जी ने 8 महीना पहले किया था लगभग, और 8 महीने बाद छत्तीसगढ़ में उसे लागू किया जा रहा है। जब इनका ये समझ में आ रहा है कि प्रदेश में जो स्थिति है जनता कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस के शासन के एकदम खिलाफ हो चुकी है, तो वोट बैंक को बटोरने के लिए ये आरक्षण की नीति लाई गई है। जब ओबीसी का बढ़ाया गया है, सवर्णों का लागू किया गया है, और कुछ आरक्षण में विसंगतियां दिखती है कि कहीं आप कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर इनका आरक्षण बढ़ाया गया, तो फिर सवर्णों का आरक्षण भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब से कर दीजिए, उसका 10% ही खाली क्यों किया, उसको भी बढ़ा दीजिए। हम किसी भी वर्ग के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, पर आपका जो पैमाना और मापदंड है वो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए जी। जब आप जनसंख्या के आधार पर कोई वर्ग का आरक्षण कर रहे हैं तो सवर्णों का सिर्फ 10% क्यों किया, और ये आर्थिक आधार पर आरक्षण है, इसे तो ज्यादा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वोट बैंक के लिए जब कांग्रेस का अपना जनाधार खिसक रहा है, उस समय इनको याद आई आरक्षण आरक्षण खेलने की,
तो ये उस तरफ दांव खेल रहे हैं, ये एक राजनीतिक जुमला है और नौकरियां है नहीं तो आरक्षण देके लाभ क्या, पहली बात। और अगर आप वास्तव में उस वर्ग का भला चाहते हैं तो 0% लोन पर उनको फाइनेंस करें ताकि वो स्वरोजगार कर सके, रोजगार खोलें। और जैसा आपने कहा कि विकास की यात्रा में क्या छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, तो नौकरियां नहीं होंगी तो कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बने, आदमी स्वयं रोजगार देने की स्थिति में आए, तो सरकार को चाहिए कि वो 0% ब्याज पर ऐसे कमजोर वर्गों को जो लोन लेना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराए, आरक्षण जैसा ही कोई नियम बनाकर, ताकि हम सब इसका लाभ ले पाए। अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं होगा, आरक्षण का नौकरियां नहीं है। निश्चित रूप से आपके पास लौटूंगा मैं, कृणाल शुक्ला सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, कृणाल जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है कृणाल जी, इस आरक्षण का लाभ मिलेगा अब छत्तीसगढ़ को, विकास की ओर दौड़ेगा छत्तीसगढ़, नया छत्तीसगढ़ बनेगा जिस तरह से सपना जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देखा है नए छत्तीसगढ़ का, वो सपना इस आरक्षण के बढ़ाए जाने से अब साकार होगा? एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोचता है? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी जातिगत आरक्षण के विरुद्ध है। हम लोगों का स्पष्ट कहना है कि जब गरीबी जाति देखकर नहीं आती तो फिर आरक्षण जाति देखकर क्यों आता है? योग्यता का गला घोटा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो योग्यता में योग्य का ही उपयोग आपको करना चाहिए, परंतु आप देखेंगे कि जो राजनीति है भारतीय राजनीति, वह योग्यतम में अयोग्य को चुनने का एक जो है षड्यंत्र दिख रही है आपको। अगर मैं विश्व समुदाय की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन का जो सिटीजन चार्टर है वह आरक्षण जैसी भावना का जो मूल भावना उसके विपरीत है। यूनाइटेड नेशन का जो सिटीजन चार्टर है वह कहता है कि किसी भी देश के नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर जाति भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी नागरिकों को बराबरी से सरकारी नौकरी का अधिकार है। सभी नागरिकों को बराबरी से शिक्षा सहित अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, परंतु आप देखेंगे कि 73 साल हो गए हैं आज एक भारत में बड़े तबके के साथ जो है द्वितीय दर्जे का नागरिक का व्यवहार किया जा रहा है, उसको सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रखा गया है। ना तो इस वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का मंत्रालय है, ना तो इस वर्ग के लिए किसी भी प्रकार की शासकीय सुविधा है, ना तो इस वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का आज तक कोई आयोग खोला गया है। अगर आप भारतीय संविधान की बात करें या भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारतीय संविधान भी स्पष्ट रूप से कहता है कि आरक्षण की दर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी न्याय का जो सर्वोच्च मंदिर है वह इंदिरा सानी केस और अन्य जो केस है उनमें निर्णय दे चुका है कि आरक्षण का जो दर है वह 50% से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परंतु अगर आप देखेंगे तो आरक्षण की उसमें ये भी मेंशन है कि कुछ विशेष अधिकारों के तहत 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में तो लागू हो ही नहीं सकता। जिस विशेष अधिकार की आप अधिकार की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के लिए है, जिसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है। और अगर आप इंदिरा सानी केस की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की दर देश में 50% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान का अनुच्छेद 16 स्पष्ट करता है कि आरक्षण की दर 50% से अधिक नहीं हो सकती। और यहाँ पे आप देखेंगे कि संविधान का हनन किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्याय का जो सर्वोच्च मंदिर है उसका माखोल बनाया जा रहा है। हम स्पष्ट रूप से बात करते हैं कि भारतीय संविधान की बात होना चाहिए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए उसकी बात करना चाहिए। और जो ओपन सीट की आप बात कर रहे हैं, जनरल सीट की बात कर रहे हैं, दरअसल वह जनरल सीट है ही नहीं। इस देश में आरक्षण की दर 100% है। जिस ओपन सीट की बात कर रहे हैं, जिस जनरल सीट की बात कर रहे हैं, दरअसल वह ओपन कैटेगरी की सीट है। उस ओपन कैटेगरी की सीट में एसटी भी जा सकता है, एससी वर्ग का भी छात्र जा सकता है, ओबीसी भी जा सकता है। उस सीट में कोई भी फाइट करके उस सीट में स्थान ग्रहण कर सकता है और अंततः वह जो है उस वर्ग जो जनरल वर्ग है उसकी सीटों का हनन होता है और जो एसटी ओबीसी है उनको वह सीटों का अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। तो इस देश में आरक्षण की दर दरअसल 100% है। तो हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि जाति आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, गरीब और गरीबी की बात होना चाहिए, किसान और किसान का जो हालात है उस पर बात होना चाहिए, मजदूर की बात होना चाहिए, मजदूर किसान गरीब की कोई जाति नहीं होती, उनकी बात होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए, योग्यता की बात होना चाहिए, योग्यता का गला नहीं घोटा जाना चाहिए। बाबूलाल जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी, देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़ जहां पर सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जाता है। सर, नौकरियां नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और ऐसे में आप आरक्षण दे दीजिए जनता के साथ जुमला तो नहीं, कहीं भ्रमित तो नहीं किया जा रहा छत्तीसगढ़ की जनता को?
कि सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं है, कुछ और राज्य भी, राज्यों ने भी इस तरह के निर्णय लिए हैं जी। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, देखिए वोट की राजनीति में ये आजकल जायज माना जा रहा है कि जिस वर्ग को आपको आकर्षित करना है उसके प्रति कुछ ना कुछ करना है आपको। ये हालांकि जो है, मैं कुणाल भाई की एक बात से सहमत जरूर हूँ कि भाई जिसको योग्यता के आधार पर, योग्यता को दबना नहीं चाहिए, आप आरक्षण दीजिए। जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको हमेशा शोषित रहना पड़ा हो, उनको आप आरक्षण दीजिए, आप उनको आगे बढ़ाइए। लेकिन इसकी आड़ में कहीं कोई प्रतिभा न दब जाए, किसी अन्य सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग की जिनकी कम आरक्षण की सुविधा है, उनकी कोई प्रतिभाएं दब न जाए, इसका भी ध्यान जो है वो सरकार को रखना चाहिए। निश्चित रूप से समाज जो है वो अच्छे बुरे और ऊपर नीचे सब मिला करके बनता है। कोई अच्छे ही अच्छे हो जाएंगे या बुरे ही बुरे हो जाएंगे तो समाज नहीं बनता है। तो बात कुछ उस रूप में भी है, लेकिन मैं अब इस पर रहा हूं कि जिस तरीके का आरक्षण भूपेश बघेल ने दिया, राजनीतिक रूप से अगर हम इसको दृष्टिकोण रखें तो इसका प्रभाव जनता के बीच में इस रूप में जाएगा कि भूपेश बघेल एक तो जो वादा करते हैं उसको पूरा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, दूसरा प्रभाव ये पड़ता है जिसके लिए किया गया कि भाई जो वर्ग है उस वर्ग को मांगे बिना जो है आरक्षण देने के लिए तत्पर रहते हैं। सामाजिक न्याय के प्रति उनके दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है, वो चाहते हैं कि समाज न्याय, जो शोषित हुए रहे हैं, दबे कुचले रहे हैं, उनको सामाजिक न्याय मिले, बराबरी में आने का अधिकार हो और वो भी अच्छी नौकरियां पा सके। ये सोच, मतलब ये पूरे निर्णय के ऊपर में आप इस रूप में अगर देखेंगे राजनीतिक रूप से, तो वो जनता के बीच में प्रभाव डालने वाले निर्णय हैं और वो वोट की राजनीति के तहत ही हैं। निश्चित रूप से जो है इसका लाभ लेने का प्रयास आने वाले समय में किया जाएगा और मैं जहाँ तक समझता हूँ इसका प्रभाव जो है, जैसे अभी दो उपचुनाव के जो होने वाले हैं बस्तर क्षेत्र में, वहाँ उन आदिवासियों को जो जमीन लौटाई गई उनका प्रभाव उस पर देखा जाएगा, दिखेगा। उसी तरह ये जो आरक्षण का प्रभाव है वो अभी नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायती चुनाव में दिखाई देंगे। केदार जी की बस आना चाहूंगा। केदार जी, आप तो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका छत्तीसगढ़ में निभा रहे हैं, आपने ये मुद्दे नहीं उठाए कि पहले सरकारी नौकरियां होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, उसके बाद आप साब आरक्षण दीजिए प्रदेश में? मेरी तो पहली लाइन आज यही थी और जब आपने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा नौकरियां नहीं है, सरकार को चाहिए कि वो फाइनेंस 0% पे करे ताकि ये लोग अपना व्यापार कर सके और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। हम सशक्त विपक्ष की भूमिका में निश्चित रूप से हैं, पर जब देश में ये स्थितियां चल रही है कि दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण देना आवश्यक है, तो हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, परंतु आरक्षण युक्ति संगत होना चाहिए। ये सवर्णों का आरक्षण और आर्थिक आधार पर मोदी जी ने जो ये रास्ता एक निकाला है, समझता हूं कि इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना था छत्तीसगढ़ में, पर सरकार ने 8 महीने इसमें लगा दिए, तो कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि सवर्णों को 8 महीना पहले जो चीज मिलनी थी वो आप 8 महीने बाद दे रहे हैं, जब आपका चुनाव, उपचुनाव भी सामने खड़ा है और लोकल बॉडी के चुनाव भी है नगरीय निकाय के। तो अगर आप विकास चाहते, आप विकास के लिए आरक्षण देना चाहते, आप समानता, सरलता, सहजता के लिए आरक्षण देना चाहते, तो आप उसी दिन दे देते जब चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म हुई और इसे आप लागू कर देते, पर आपने नहीं किया, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन देर सवेर किया केदार जी, देर सवेर किया, देर सवेर किया, किया तो सही, क्योंकि आरक्षण के विरोध, आरक्षण को लेकर तमाम आंदोलन प्रदेश में हुए हैं, तमाम आंदोलन सरकार ने देखे, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो। देर सवेर किया लेकिन सवर्णों के लिए आरक्षण लागू किया, 72 से बढ़ाकर 82% कर दिया। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि इस फैसले का स्वागत होना चाहिए प्रदेश में? नहीं नहीं, हमने कहा हम इसके विरोध में नहीं है, पर असमानता दिखती है। वो असमानता को मैं दर्शकों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप किसी वर्ग को ये कहते हैं कि इनकी आबादी 50% से ज्यादा है तो इनका आरक्षण इतना होना चाहिए। क्या सवर्ण आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनकी आबादी 10% ही है क्या? उनमें 10% ही आरक्षण क्यों दे रहे हैं? तो एक प्रदेश में सवर्ण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? जब दूसरे को आप जनसंख्या के आधार पर देते हैं तो ये सवर्णों ने क्या बिगाड़ दिया आर्थिक दृष्टिकोण से कि आप उसको 10% ही दे रहे हैं? ये तो केंद्र शासन ने तय किया था, वो आपने दे दिया, पर आपने दूसरे वर्गों के साथ अलग
दृष्टिकोण अपनाया और इसके साथ अलग दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलती है, पर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के आधार पर चलती है। मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आरक्षण की घोषणा की गई है और इसमें कहीं नौकरी नहीं है, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली। लेकिन बाबूलाल जी से छोटी सी टिप्पणी यहाँ लेना चाहूंगा। बाबूलाल जी, आपने केदार जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि अब योग्यता के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। 10% आरक्षण सवर्णों को ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, ST SC को ज्यादा आरक्षण है, कितना आप इत्तेफाक रखते हो? और आपकी एक प्रतिक्रिया सर छोटी सी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बार फिर से कह देता हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ नहीं है, पर अगर जनसंख्या के आधार पर किसी वर्ग का आरक्षण किया है तो सवर्णों का भी उसी आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के लिए अलग अलग मापदंड जो सरकार अपना रही है वो नहीं होना चाहिए, मेरा कहना ऐसा है। ठीक है, तो बाबूलाल जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं छोटी सी। देखिए, योग्यता के आधार पर हो ये बात मैंने दूसरे ढंग से कही। मैंने कहा कि प्रतिभाओं को इस आड़ में दबाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अगर इस आरक्षण के चक्कर में किसी प्रतिभा की मौत होती है तो ये एक पाप होगा, और ये सामाजिक रूप से भी पाप होगा और राजनीतिक रूप से भी पाप होगा। इसलिए जो है योग्यता को भी ध्यान में रखा जाए, उनका भी रास्ता खुला रहे, उनको भी रास्ता मिलता रहे, और जो शोषित पीड़ित लोग हैं, अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन शोषित पीड़ित है जो वास्तव में सदियों से जो है दबे कुचले चले आ रहे हैं, उनको लाभ मिले, उनको भी ऊपर आने का मौका मिले, ये भावना जरूर होनी चाहिए। देखिए, एक बात इसमें भेद वाली बात जो बोली बिल्कुल सही कही कुणाल भाई साहब ने, कि भेद दिखना नहीं चाहिए कहीं भी। अगर आपको मन में भेद दिख गया तो समझिए सामाजिक परिवेश को आप बिगाड़ रहे हैं। मतलब हमारे घासीदास बाबा जो छत्तीसगढ़ के ये है युग पुरुष है, किस तरह से देखा जाए तो उन्होंने कहा था मन के एक समान, और उसी में पूरा जीवन उन्होंने काटा, उनके समाज भी उसी इसमें काटता है। लेकिन इसमें जो है अगर भेद होगा, मनुष्य में यदि आरक्षण के कारण भेद होगा तो ये उनकी विचारधारा है, उनकी स्लोगन के खिलाफ जाएगा। इसलिए जो है हमको सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कोई एक चीज सही है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक चीज सही हो, आप आरक्षण का भी लाभ लोगों को दे जो दबे कुचले और ऐसे लोग हैं जो उठ नहीं पाए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अन्य वर्ग के सभी वर्गों के जो भी प्रतिभावान लोग हैं उनको दबना ना पड़े, उनको कहीं उनका रास्ता ना बंद हो, इस बात का भी ध्यान सरकार को ही रखना होगा और समाज के लोगों को भी रखना होगा। कराल जी के पास विचार रखना होगा कि भाई हम जो है जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए बाबूलाल जी। समाज के अंदर जो है संतुलन बना रहे, इस बात का ध्यान सबको रखना पड़ेगा। कराल जी के पास आना चाहूंगा। कराल जी, जो 18% लोग हैं वो अनारक्षित हैं, क्या वो अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे? उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस दौर में नौकरी ले पाना छत्तीसगढ़ के भीतर? देखिए, जो 18% की बात कर रहे हैं या आरक्षण के दर 82% की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस आरक्षण को आपको समझना होगा, इसके अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटा भी है, विकलांग कोटा भी है, महिला कोटा भी है, अन्य प्रकार के कुछ और भूतपूर्व सैनिक कोटा है ये भी है। तो यह आरक्षण वैसे 90% होता है, और जो 10% जनरल कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं उसको मैं बार बार कह रहा हूँ, वह दरअसल ओपन कैटेगरी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे 3 बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। जब भारतीय संविधान बना तो आरक्षण नाम की विषबेल है वह सिर्फ 10 साल के लिए लादी गई थी, परंतु आज 73 साल हो जाते हैं, यह विषबेल अभी भी राजनेताओं के कारण हमारे देश पर हावी है। योग्यता का गला अयोग्यता की तलवार से काटा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, यह अनुचित है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के स्कूलों में ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार बंद हो रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके हालात बेहद खराब है, और शासकीय मेडिकल कॉलेज जो भी है वह भी जो क्राइटेरिया होता है वह भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ड्रॉप आउट रुकना चाहिए, जो शासकीय कॉलेज और अन्य जो इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनके हालात में सुधार होना सके, मतलब गुणवत्ता जो विहीन शिक्षा जो चल रही है वह उस मामले में जो है हमको इम्प्रूवमेंट छत्तीसगढ़ किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। तीसरी बात मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ उसको आपको समझना होगा कि हरियाणा में जाट आरक्षण जो थोपा गया वह जाट आरक्षण को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया।
राजस्थान में गुर्जर आरक्षण जो थोपा गया, उस गुर्जर आरक्षण को वहां के हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में मराठा जो आरक्षण थोपा गया वह मुंबई हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाता है। और अगर हाल फिलहाल मैं मार्च 2019 की बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो ओबीसी आरक्षण थोपा गया था वह जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाता है। तो ये देखिए ये असंवैधानिक मामला है, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध है। तो मुझे लगता नहीं कि यह मामला भी बिलासपुर हाईकोर्ट में टिक पाएगा, क्योंकि आपको अगर भारत में रहना तो भारतीय संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आपको भारत में रहना है तो आपको न्याय का जो सर्वोच्च मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप खुद अपने हिसाब से कोई भी निर्णय या ठीक है, बाबूलाल जी के पास आना चाहूंगा कि आखिरी सवाल है बाबूलाल जी से मेरा। बाबूलाल जी, कई बार ऐसा देखने का मिलता है जिनके पास आरक्षण नहीं है वो कहते हैं कि उनकी नौकरी जिनके पास आरक्षण है उनके पास है, और जिनके पास आरक्षण है उनके पास जाइए तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी नहीं निकाल रही। देखिए, नौकरियों का तो यहाँ पर काफी स्कोप है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये फंड कहाँ से आएगा। आप जो है जो स्वीकृत पद है वो तो भर नहीं पा रहे हैं, अभी पिछली सरकार ने भी नहीं भरा था, ये सरकार भी वही स्थिति में है। कुल मिलाकर के जो है आप पहले के जो स्वीकृत पद है उन्हें नहीं भर पा रहे थे, आरक्षण देने का कोई मगर एक बात मैं बता रहा हूँ, जो थोपा गया शब्द जो कुणाल जी ने कहा मैं उससे सहमत हूँ, थोपा गया एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी भी कोई चीज है। ये राजनीतिक मजबूरी है कि इनको घोषणा करनी है और जनता के बीच में अपना प्रभाव डालना है कि हम ये चाहते थे। हाईकोर्ट का काम है, हाईकोर्ट ने निरस्त अगर कर दिया तो भी ये कहने की स्थिति में होंगे राजनीतिक रूप से कि हमने तो चाहा था, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट ने जो है इसको निरस्त कर दिया, हम क्या करें, हम तो आज भी चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो। ये राजनीतिक इसके कारण बन गए, और निश्चित रूप से जो है ये इसको थोपा गया ही कहा जाएगा कि भाई आपने डाल तो दिया, अब हाईकोर्ट उसको निरस्त कर देगा, मगर राजनीतिक रूप से जो है ये सफलता मानी जाती है निश्चित रूप से। केदार जी के पास आना चाहूंगा, केदार जी समय का अभाव है, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, उसके बाद कार्यक्रम को विराम देंगे। मेरा कहना यही है कि आप किसी वर्ग को अगर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देते हैं तो अपने प्रदेश में सभी वर्गों के साथ वही पैमाना अपनाएं, और नौकरियां हैं नहीं, आरक्षण दे के आप जनता को फिर से लूटना चाहते हैं, आप स्थानीय चुनाव में फिर से वोट लूटना चाहते हैं, उपचुनाव में फिर से वोट लूटना चाहते हैं, तो भोली भाली जनता छत्तीसगढ़ प्रदेश की है, इसे गुमराह ना करें। ये जवाब तो ईंट का जवाब पत्थर से देगी, चुनाव में सब दिख जाएगा। एक अंतिम प्रक्रिया कृणाल जी से, वोट बैंक की राजनीति तो नहीं कर रहे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में? कृणाल जी, नहीं देखिए, वोट बैंक की राजनीति सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही, वोट बैंक की राजनीति हरियाणा में हो रही, राजस्थान में हो रही, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, और वोट बैंक की राजनीति यहीं के पूरे देश में हो रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, वोट बैंक की राजनीति छत्तीसगढ़ में भी हो रही है और सभी पूरे देश में भी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस।